नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयवीर शाह और आपका स्वागत है मैक लर्न टू अर्न यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे स्विफ्ट लर्न के बारे में। तो मैंने अपना मेल ओपन करके ही रखा है जिसमें मैंने स्विफ्ट लर्न का फेज वन क्लियर कर लिया है, फेज टू क्लियर कर लिया है, फेज थ्री क्लियर कर लिया है, बट फेज फोर का मैसेज मुझे पिछले 15 दिनों से नहीं आया है। हो सकता है कि आपने फेज वन क्लियर कर लिया हो और आपके पास उसके बाद मेल ना आया हो, या आपने डेमो क्लियर कर लिया हो, फेज टू क्लियर कर लिया हो और उसके बाद भी मेल ना आया हो। तो इस केस में तीन हमारे पास ऑप्शन रहते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन या बोलेंगे क्वेश्चन जो होता है वो यही होता है मन में कि क्या ये रिजेक्शन या सिलेक्शन का मैसेज करेंगे। तो उसका आंसर है हाँ, ये करेंगे। तो क्या मैंने कोई ऐसा कोई रिजेक्शन या सिलेक्शन का मैसेज देखा है? हाँ देखा है, तभी जाके मैं ये बोल रहा हूं। तो वो भी मैं आज आपके सामने शेयर करूंगा कि रिजेक्शन का अगर मैसेज आएगा तो कैसा आएगा। दूसरी बात, क्या हम रिजेक्शन के बाद फिर से अप्लाई कर सकते हैं? तो हाँ कर सकते हैं। तो ये भी स्विफ्ट लर्न ने कहीं पर बताया है, हाँ स्विफ्ट लर्न की सपोर्ट टीम ने ही बताया है। कहां पर बताया है वो वीडियो भी आज आपको दिखाऊंगा। और थर्ड थिंग, हमें क्या करना चाहिए अगर हमारे पास रिजेक्शन का भी मैसेज ना आया हो और सिलेक्शन का भी मैसेज ना आया हो, तो उस केस में हमें किस तरीके से रिप्लाई करना है वो भी मैं आज आपके सामने बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। और रिक्वेस्ट है कि आप अगर अभी तक आपने मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और वीडियो को लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। अब हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि रिजेक्शन का मैसेज आता है तो वो कैसा आता है उसके बारे में बात करते हैं। जो कोई भी स्टेज पे आप बन चुके हो, आपने गूगल फॉर्म फिलअप कर लिया, फेज वन पे चले गए, फेज टू पे चले गए, फेज थ्री पे चले गए या फेज फोर पे चले गए, मगर कहीं पर भी अगर स्विफ्ट लर्न को आपको किसी भी स्टेज में अगर रिजेक्शन देना होगा तो वो किस तरीके से मैसेज करेगा वो मैं आपको बता देता हूं। तो ये आ गए हम अपने मैसेज पे। इस तरीके का मैसेज आपको मिलेगा, हेलो सर, थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन स्विफ्ट लर्न, वी ट्रूली अप्रिशिएट योर टाइम एफर्ट एंड पेशेंस थ्रू आउट द सिलेक्शन प्रोसीजर। आपने अपना टाइम एफर्ट और पेशेंस जो रखा थ्रू आउट दी प्रोसीजर, उसके लिए ये थैंक यू कह रहे हैं। वी बिलीव दैट योर प्रोफाइल इज हाईली कॉम्पिटिटिव बट अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट अलाइन योर प्रोफाइल विथ अवर करंट नीड्स, हैंस वी कैन नॉट टेक दिस फर्दर। हम इसको आगे नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि अभी की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो इससे अलाइन नहीं हो रही है, ऐसा लिखा है। फिर लिखते हैं, वी विल हाउवर कीप योर रिज्यूम ऑन रिकॉर्ड एंड गेट इन टच विथ यू अबाउट फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज दैट मे डू जस्टिस टू योर स्किल्स एंड एस्पिरेशंस। यानी कि अगर इन फ्यूचर कोई आपकी रिक्वायरमेंट होती है तो हम आपका रिज्यूम हमारे पास रखते हैं और आपको आगे जब अपॉर्चुनिटी आएगी तब आपको बात करेंगे, तब आपके साथ कनेक्ट करेंगे। थैंक्स फॉर टेकिंग आउट टाइम इन एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज विथ स्विफ्ट लर्न, वी विश यू गुड लक विथ योर फ्यूचर एंडेवर्स। आपको एक बेस्ट ऑफ लक किया है आपके फ्यूचर जो भी आपके ड्रीम्स है उसको अचीव करने के लिए, और ये वाला मैसेज आएगा अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्शन हुई है। तो क्या मेरी एप्लीकेशन रिजेक्शन हुई है? नहीं फ्रेंड्स, ये हमारे ही एक नेस्ट में से मैक लर्न टू अर्न के जो सदस्य हैं उनमें से एक को ये मैसेज आया है, उन्होंने ये मैसेज हम तक फॉरवर्ड किया ताकि हम सब लोग को बता सकें और समझ सकें कि रिजेक्शन के लिए कैसा मैसेज आता है। अब दूसरी बात, रिजेक्शन के बाद क्या हम रीअप्लाई कर सकते हैं? तो हाँ हम रीअप्लाई कर सकते हैं। तो वो स्विफ्ट लर्न ने कहां पर कहा है, तो उसके लिए मैंने क्या किया है फ्रेंड्स कि स्विफ्ट लर्न की यूट्यूब चैनल पे मैं गया। यूट्यूब चैनल पे आप जाओगे, स्विफ्ट लर्न की एक यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप यहां पर पढ़ाना चाहते हैं तो। और यहां पर ये जो मैडम है, यही मैडम मुझे लगता है कि वहां के मेन पर्सन है, हिना मैडम इनका नाम है, और यही मैडम वहां पर फेज थ्री का जो क्लियरेंस होता है, मेरा जो क्लियरेंस था वो इन्होंने लिया था, तब से मेरा अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। बट यहां पर वो मैडम, वीडियो की लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, वरना आप टाइटल भी देख सकते हैं, टीचर सिलेक्शन प्रोसेस एट स्विफ्ट लर्न, ये सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। यहां पर
3:30 मिनट से चालू कीजिएगा आप वीडियो को, और 3:40 मिनट तक मैं वीडियो को प्ले भी कर रहा हूं। अगर आपको साउंड सुनाई ना दे तो मैं आपको इतना बता देता हूं, दे कैन रीअप्लाई अगेन, ऐसा वो बोल रहे हैं। रीअप्लाई अगेन एंड कम अगेन, राइट? कहां पर बोलेंगे वो? 3:35 के अराउंड, यानी 3:30 से लेकर 3:40 के बीच में आप देखिएगा ये वीडियो, तो आपको पता चल जाएगा कि आप रीअप्लाई कर सकते हो। ये स्विफ्ट लर्न का वीडियो है, इसमें ही मैडम ने कहा है। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि मेरा केस है कि अभी तक मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया है। मैंने स्विफ्ट लर्न में फेज 1 क्लियर कर लिया है, फेज 2 क्लियर कर लिया है, फेज 3 क्लियर कर लिया है, बट तीनों की डेट भी देख लीजिए। फेज 1 कब क्लियर किया? 13th of September को। 14th of September को फेज 2 क्लियर किया, और फेज 3 के लिए 16th of September इसके लिए फेज 3 क्लियर किया। सभी में मेल क्या आया है मुझे, मैं आपको दिखा देता हूं। ये फर्स्ट के लिए मेल आया था, वैसे भी मैंने इसके वीडियो बना के अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं, आप वहां से भी देख सकते हो। हो सकता है किसी किसी को फेज 1 के बाद मेल ना आया हो सकता है किसी किसी को फेज 2 के बाद मेल ना आया हो सकता है किसी किसी को फेज 3 के बाद मेल ना आया हो। तो मैंने फेज 3 के बाद मुझे कोई मेल नहीं आया था, तो मैंने उनको एक रिप्लाई भी किया था कि हेलो सर, आई एम वेटिंग आफ्टर क्लिकिंग ऑन दी लिंक फॉर फेज 3, बट इट सीम्स द होस्ट इज नॉट स्टार्टेड येट। ये क्या हुआ था कि फेज 3 का जो इन्होंने टाइम लिखा है, फेज 3 का जो इन्होंने टाइम लिखा है 4 बजे का, मैं 4 बजे जुड़ चुका था, मगर 4 बजे किसी ने मीटिंग चालू नहीं की। ऐसा भी होता है, तो कभी कभी 4 बजे वो लिखते हैं मगर 4:30 बजे उनकी मीटिंग स्टार्ट होती है, तो मैंने उनको मेल कर दिया। अब इसी केस में हमें क्या करना है, अगर हमारे पास कोई रिजल्ट भी नहीं आता है तो हमें यहां पर ही रिप्लाई करना है। जैसे कि मुझे फेज 3 में रिजल्ट नहीं आया, तो मैं फेज 3 में, मुझे फेज 3 का मेल देखिए किन्होंने भेजा है, anand@swiftlearn.com, तो मैं यहां पर रिप्लाई करता हूं। रिप्लाई मैंने किया, तो रिप्लाई किसको जाएगा? सिर्फ और सिर्फ आनंद जी को ही जाएगा। उनका नाम लिखा हुआ रहा है टीचर, ऐसे लिखा हुआ टीचर हायरिंग swiftlearn.com, anand@swiftlearn.com। आपको जिस पर्सन ने भी मेल किया है उसी में ही रिप्लाई करना है, मेल को ही रिप्लाई करना है। ओके, अब क्या लिखेंगे हम यहां पर? रिस्पेक्टेड सर, आई हैव क्लियर्ड फेज 1 and 2 एंड ऑल्सो given phase 3, but since last 15 days my result is pending. Kindly acknowledge this mail. Waiting for your reply and suggestion. फिर लिखेंगे थैंक यू। यहां पर मैंने लिखा क्या है? I have cleared phase 1 and phase 2, also given phase 3. मैंने phase 1 और phase 2 clear कर लिया है और phase 3 दिया है, but for last, since नहीं होगा, for last 15 days, for the last 15 days my result is pending. Kindly acknowledge this mail, यानी कि मेरा 15 दिनों से result pending है, इस mail को देखिए और मुझे रिप्लाई कीजिए या सजेशन दीजिए। ऐसा करके आपको उनको मेल कर देना है, मैं मेल कर देता हूं यहां से सेंड। नाउ आई विल वेट कि कितने दिनों में वो मुझे आंसर देते हैं। आपको भी यही करना है, अगर आपके पास रिजल्ट ना आया है, ना ही रिजेक्शन आया है, ना ही सिलेक्शन आया है, तो यहां पर आपको ये चीज करनी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके साथ में अगर आप ऑनलाइन ट्यूटर बनना चाहते हैं तो आपको एक पेंटेड एक माइक की जरूरत पड़ेगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहां से अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो अमेजोन के ही प्रोडक्ट वो रहते हैं, मैंने जो परचेज किए हैं वही चीज मैं यहां पर दिखा रहा हूं, तो प्लीज वहां से परचेज कीजिएगा ताकि आप ऑनलाइन ट्यूटरिंग अच्छी तरीके से कर पाए। हियर योर होस्ट एंड दोस्त जयवीर शाह साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।